इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें काछवा रोड से देख पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से एक कार के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप कार की हालत देख सकते हैं। कहना ये मुश्किल होगा कि कार में जितने भी लोग मौजूद थे वो सुरक्षित है, क्योंकि कार की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें मौजूद जो लोग थे उनकी हालत क्या हो सकती है। चिथड़े चिथड़े उड़ चुकी है कार के चिथड़े उड़ चुकी है। किस तरीके से आप देखेंगे, ये कार जो है काछुआ की तरफ जा रही थी और डिवाइडर से जोरदार टक्कर होती है और हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से खस्ता हो चुकी है। टायर्स निकल चुके हैं और आगे का पूरा पार्ट जो है वो बुरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुका है। करनाल में आए दिन एक्सीडेंट के मामले जो है वो सामने आते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर आए दिन अपील करता है कि यातायात के नियमों का तमाम पालन करें, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम का भी ये कहना है कि कार जो है बहुत ही तेज गति से आ रही थी, जिसके बावजूद जो है डिवाइडर से जोरदार टक्कर हो जाती है। डिवाइडर को आप देख सकते हैं, आपको स्क्रैचेस नजर आ रहे होंगे, जोरदार टक्कर होती है डिवाइडर से और टकराकर आप कार की हालत देख सकते हैं किस तरीके से खस्ता हो चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है इसका शीशा। और आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से कार के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। हालत आप कार की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो लोग मौजूद थे वो सुरक्षित होंगे या नहीं। पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा बताया गया है कि इसमें दो लड़के मौजूद थे, अभी उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और अभी जो है दोनों बुरे तरीके से घायल हो चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में उनके और भी सामान नजर आ रहा है, गाड़ी में पड़ा हुआ सामान नजर आ रहा है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से आए दिन हाथ जोड़कर अपील करता है कि तमाम यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन ऐसे एक्सीडेंट करनाल में होते हुए नजर आते हैं और एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करती नजर आती है। गाड़ी में दो लोग मौजूद थे, दोनों को अभी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, लेकिन आप कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने बुरी तरीके से दो लोग घायल हो जाते हैं और कैसा ये बड़ा एक और मामला एक्सीडेंट का सामने आता है। काछवा रोड से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो यहां पर मौके पर पहुंचकर अपनी कार्यवाही करती नजर आती है। बताया जा रहा है कि करनाल से काछुआ की तरफ ये कार जा रही थी और डिवाइडर से जोरदार टक्कर होने के बावजूद जो है इसकी ये हालत हो जाती है। बहुत बड़ा ये हादसा जो है काछुआ रोड पर हो जाता है। अभी आधा घंटा पहले टक्कर किसके साथ हुई है? बस वैसे लगी है। वैसे कहाँ? डिवाइडर से टकराई है। डिवाइडर से टकराई है, काफी तेज पावर की इसकी गति। कितने लोग मौजूद थे इसके अंदर? दो लड़के थे। दो लड़के मौजूद थे, सुरक्षित थे दोनों? नहीं, काफी चोट लगी है। तो एडमिट करा दिया गया? एडमिट करा दिया। ये करनाल की तरफ जा रहे थे? नहीं, इधर जा रहे थे, उस साइड जा रहे थे। हाँ, ये काछुआ की तरफ जा रहे थे। तो देख सकते बातचीत कर लेते हैं भैया, क्या हुआ था मामला? आपने देखा, आप मौके पर मौजूद थे इधर? देखा था मैडम जी, पता क्या बात थी, ये जो वार था नहीं इधर से, मान ले कभी गाड़ी उनकी दाएं जा रही थी, कभी बाएं थी, मतलब ये जो अपने नहर का डिवाइडर था नहीं, इन्होंने ये सोचा था जो ये पीली पत्ती है नहीं है इधर तक ही है, मतलब इधर से आप कट मार देंगे। फिर उन्होंने कैमरे में चेक किया या कुछ भी किया, आगे जो ये दीवार दिखी नहीं उन पर कंट्रोल नहीं है, तो इस तरह उन्होंने या अपने गुस्से में कुछ भी किया। तो आप यहीं पर मौके पर मौजूद थे? आपने पूरा देखा कैसे? हाँ, मैंने देखा। जो दो लोग इसमें मौजूद थे सुरक्षित है वो? वो तो जी डॉक्टरी बताएगा, मैंने हालत खराब थी उनकी, ज्यादा हालत खराब थी। वो पीछे देख लियो आप, नहीं गाड़ी के जो पार्ट नहीं है पीछे गिरे मिलेंगे आप। ओके, तो देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा आज काछवा रोड पर हो जाता है। आए दिन जो है ऐसे मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से करनाल में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे एक बड़ा हादसा हो जाता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से कार के पार्ट्स उड़कर जो है कितने दूर तक गिरे हुए नजर आ रहे हैं। कार की ये नंबर प्लेट यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही है और ये कार के पार्ट और टायर की जो स्टपनी होती है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है और वो दूर तक कार की लाइट पड़ी हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कितनी जोरदार ये टक्कर हो जाती है, इतनी बड़ी ये टक्कर होती है कि कार के जो पार्ट्स हैं वो बिखर कर इतनी दूर पर जाकर गिरते हैं।
जी क्या हुआ था मामला? कुछ नहीं हुआ मैडम, ये गाड़ी वहाँ से आ रही थी। हाँ जी। इन्होंने एकदम ओवरटेक करी, इन्होंने यहाँ के गाड़ी का मोड़ मोड़ना था, इनसे कंट्रोल हुई नहीं, सीधी इन्होंने डिवाइडर में देके मारी। जी। कितने दो लोग इसमें? दो लोग थे। हाँ जी, दो लोग हैं और दोनों बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है। बताया काछवा की तरफ जा रहे थे, करनाल से आ रहे थे। तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जाती है? हम मौके पर आगे थे, फिर मैं तो यहाँ चला गया था, फिर यहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे और दोनों की हालत बहुत बुरी है। गलती सिर्फ इन्हीं की है, किसी साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ इनका, अनियंत्रित थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनसे कंट्रोल नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड थी, 100 पार्ट स्पीड। हाँ जी। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कार जो है तेज रफ्तार से आ रही थी, कार जो है अनियंत्रित थी, नियंत्रण खो बैठी थी और जिसके बावजूद जो है डिवाइडर से टकराकर ये बड़ा हादसा हो जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे काछवा रोड से, मेरे साथ दीपाली धीमान।